हेलो नमस्ते, मैं हूँ शालिनी और आपका स्वागत है दुनिया के सैर में। आज के सफर में मैं आपको लेके चलूंगी पोखरा और उसके आसपास की खूबसूरत वादियों में। काठमांडू से येती एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़कर हम चलेंगे पोखरा। पोखरा काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में बसा एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। मैं बैठी हूँ पोखरा के होटल बराही के मैनेजर जी के साथ, जिनका नाम है मिस्टर बलराम भंडारी। मिस्टर भंडारी, आप इस होटल की खूबियों के बारे में कुछ बताएं। यस, थैंक यू। ये हमारा होटल बराही लेक साइड का सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी है और ये होटल एयरपोर्ट से करीब 2 किलोमीटर नज़दीक है और यहाँ का सबसे पॉपुलर लेक फेवा लेक बोलते हैं, जिसके इन फ्रंट में है। और हमारा होटल से वेस्टर्न रीजन के 14 माउंटेन रेंज दिख सकते हैं यहाँ से। और फैसिलिटी के बारे में कहूँ तो हमारे पास स्विमिंग पूल है, स्पा है और 3 रेस्टोरेंट है और कॉजी बार है और हम बहुत जल्दी से फिटनेस सेंटर भी लॉन्च करने को जा रहे हैं। थैंक यू मिस्टर भंडारी फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। काफी नजदीक है ये फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट डेविस फॉल। पाताल छांगो या हेल्थ फॉल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। खैर, नाम तो बहुत है लेकिन इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये फॉल और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे देवीज फॉल, डेविड्स फॉल, डेवन फॉल्स या डेविस फॉल। यहाँ का लैंडस्केप और वातावरण काफी आकर्षक है और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो ये एक जन्नत के समान है। मेरे गाइड मिस्टर राज ने मुझे अभी बताया है डेविस फॉल को देखने का सही वक्त है जून या जुलाई का। उस समय पानी का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि फॉल का आनंद ले रहे पर्यटक भी भीग जाते हैं। वैसे तो पोखरा में नाइट लाइफ इतनी एक्टिव नहीं है, पर लेक साइड के आसपास आपको काफी रेस्टोरेंट मिलेंगे और इस वक्त मैं आ गई हूँ यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है बुमरांग। बुमरांग फेमस है खाने के साथ साथ यहाँ की लोकल कल्चरल एक्टिविटी को एंजॉय करने का। कल्चरल एक्टिविटी को देख के मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मैं इन्हें ज्वाइन करूं। अब मैं मिस्टर राज, जो मेरे गाइड हैं, उनसे पूछती हूं कि कैन आई जॉइन देम, कैन आई जॉइन द कल्चरल एक्टिविटी, क्या मैं इनको ज्वाइन कर सकती हूं? ऑफ कोर्स, ये आपके लिए थे ये कल्चरल ड्रेसेस इफ आई कैन वेयर। ये तो हमारा सौभाग्य है। देखिए, यहाँ के लोकल डांसर्स ने मुझे एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस पहना दिया है और थोड़ी देर में आई एम गोइंग टू जॉइन देम एंड हैव अ गुड टाइम।
पोखरा के आसपास घूमने के लिए काफी सारे टूरिस्ट पॉइंट हैं और अब मैं जा रही हूँ इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम में और ये है मेरा टिकट और ये दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेनियरिंग म्यूजियम है। पोखरा में स्थित इंटरनेशनल म्यूजियम अर्पित है नेपाल के माउंटेन्स और उस पर चढ़ने वाले माउंटेनियर्स को। ये स्मारक समर्पित है उन माउंटेनियर्स पर जिन्होंने माउंटेनियरिंग करते करते अपना जीवन गंवाया है। साढ़े 12 एकड़ में फैले इस म्यूजियम के अंदर आपको हिमालय का पूरा इतिहास, पुरानी वेशभूषा और कल्चर देखने को मिलेगी। हिमालय विश्व की सबसे बड़ी और विस्तृत पर्वत श्रृंखला है जो पूर्व से पश्चिम 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। एक हिमालयन पीक लगभग 20,000 फीट से ऊंची है और लगभग 1,000 ऐसी पीक है। हिमालय की चोटियों पर चढ़ने की शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी से, लेकिन नेपाल हिमालय खुलने के बाद 1950 में पहली बार मॉरिस हेरजोंग और लुई लेचनल ने 8,000 मीटर की ऊंचाई पर अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़े थे और उसके बाद 1953 में सबसे पहली बार तेंजिंग शेरपा नॉर्गे और सर एडमंड हिलरी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े। पोखरा में टूरिस्ट के लिए एक और एक्साइटिंग एक्टिविटी है अल्ट्रा फ्लाइट। थैंक यू। ये है मेरा टिकट अल्ट्रा फ्लाइट का। ये एक 2-सीटर प्लेन है जहाँ से पायलट आपको पोखरा की आसमानी सैर कराता है और अब मैं बोर्ड करने जा रही हूँ अपने पायलट के साथ। लेट्स गो। आई कम इन अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट पोखरा एयरपोर्ट से उड़ान भरकर आपको पूरे पोखरा का अद्भुत नजारा दिखाता है। वहाँ के गांव, झील और बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं को देखना एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। इस आधे घंटे की फ्लाइट से आप सूर्योदय या सूर्यास्त का बेहतरीन नजारा भी एंजॉय कर सकते हैं। फ्लाइट के दौरान पोखरा शहर का एरियल व्यू देखने के साथ साथ मशहूर पर्यटन स्थल फेवा लेक और पीस स्टूपा को भी देख सकते हैं। पोखरा में आने वाले हर टूरिस्ट को इस फ्लाइट का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए वरना आपका सफर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और एक बात और आपको बताऊं, कैप्टन हैज गिवन मी द प्लेन और मैंने प्लेन फ्लाई किया ऊपर। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी। आई थिंक यहाँ पे लोगों को आना चाहिए।